नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मेरा नाम है मनीष कुमार। हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है जो दर दर भटकने के लिए मजबूर है। दरअसल यह जो है मोहनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हादे का रहने वाले हैं। माता पिता जो अपने बेटे की गिरफ्तारी के लिए आज गया SSP कार्यालय पहुँचे हैं, उन्होंने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है और आवेदन में लिखा है कि बेटे जो है कुछ लोगों के साथ मिलकर जमीन को हड़पना चाहता है। सीधे हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरफुद्दीन अंसारी। हमारा बड़ा बेटा को फखरुद्दीन मियाँ, महबूब मियाँ और यूनुस मियाँ बिल्कुल बरगला करके अपने फेवर में ले करके और मेरे खिलाफ कर करके जमीन को, शाह जमीन को जो रोड पर मेरी ज़मीन है, जबकि मेरे और भी लड़के हैं और भी लड़कियां हैं, किसी को अभी तक मैंने 1 इंच बांटा नहीं है। और वो बात ज़बरदस्ती ईंटा गिरा रहा था 13 तारीख को, हमारी पत्नी रोकने के लिए गए, उस दिन बहुत बुरी तरीक़ा से मारा जबकि हम लोग घर पे कोई मौजूद नहीं थे। मतलब मेरे आपका खुद बेटा है? कमरुद्दीन, हाँ कमरुद्दीन। क्या क्या चाहता क्या है वो लोग? उन लोग साफ सुथरा में कह रहा था ए फखरुद्दीन को बुलाओ, यूनुस को बुलाओ और महबूब को बुलाओ, आज बुढ़िए को ज़मीन में दफन कर दो, गड़ दो यहाँ पर। और उसके बाद में मारपीट करके और सब भाग गया। उन लोग जब गांव के लोग जमा हुए तो भाग गया, तो उसके बाद छोटा बेटा ले करके मेरा हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहाँ से रेफर कर दिया तो मगध मेडिकल में भर्ती रहे करीब 11 दिन। 11 दिन भर्ती होने के बावजूद मगध मेडिकल हॉस्पिटल से थाना से जो रिपोर्टिंग जो है लेकर के फर्ज बयान और वहाँ भेजा गया। होने के बाद में फिर बड़ा बाबू से मालूम हुआ कि वो केस कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसके वजह से फिर दोबारा शनिचर को दिन 31 तारीख को हमारे पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारा, जो फिर कमर में चोट आई है और फिर जो दाहिना हाथ में जो हड्डी और ज़्यादा टूट गया जो परेशान हाल में है, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल। फिर वहाँ देखने के बाद एक्सरे जो एक्सरे यहाँ है, उसके बाद में फिर वो रेफर कर दिए मगध मेडिकल में। तो मगध मेडिकल में आज भी उनका एक्सरे हुआ है जिसमें भी टूटा हुआ निकला है और बहुत मेरी पत्नी परेशान हाल में है और आज तक हमारे साथ कोई भी विचार नहीं हो रहा है। आपका जो बेटा है वो किन लोगों के साथ मिलकर ये जमीन को हड़पना चाह रहा है? उग्रवादियों के साथ। उग्रवादी कौन कौन है? फखरुद्दीन, महबूब, यूनुस। ये लोग कहाँ का है? इन लोग दो हादे का है, फखरुद्दीन यूनुस हादे में रहता है और महबूब बीच मुसैला के बीच टाँड में मकान बना के वहाँ रहता है, मुसैला टाँड पर रहता है। मतलब अब आप मतलब अभी तक बंटवारा नहीं किए हैं? उसके बाद कोई बंटवारा नहीं किए हैं और हमारे ज़िंदगी में बंटवारा करने का कोई नियत नहीं है, नहीं करना चाहते अपने ज़िंदगी में। बेटा चाह रहा कि बंटवारा कर ले। सिर्फ दो कह रहा है बांट दो उन लोगों के कहने पर, और बाकी हम लोग कोई बेटी भी तो नहीं कह रही है, कोई बेटा भी और नहीं कह रहा है, तो इनको कहने पर हम बांट के, और वो कह रहा है मुझे ही पूरा दे दो। न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं? हाँ, न्याय के लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई हम कहीं भी हमारे सही मानों में सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है और उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उन लोग आज़ाद घूम रहा है। क्या लगता है कि पुलिस मिली हुई है उन लोग से? अंदाज़ा तो यही लगता है कि हमारे मोहनपुर महोदय थाना लोग सब मिले हुए हैं, अब वो भगवान जानते हैं अंदर की बात। अब आप क्या चाहते हैं? ऐसे ही महसूस हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं उनको अरेस्ट हो, सजा मिले, ताकि वो सबक मिले और साथ साथ में जो उग्रवादी हैं उन लोगों को भी अरेस्टिंग हो, ताकि उन लोग भी समझ में आ जाए कि किसी का हड़पने में ज़मीन या हड़पाने में या किसी को घर बर्बाद करने में क्या सजा मिलता है, ताकि आइंदा और दूसरे लोगों को भी ऐसा किसी को घटना ना हो। तो देखिए, एक पिता है जो अपने बेटे के गिरफ्तारी के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं और सीधे इन्होंने कहा कि जो बेटा है कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है ज़मीन को हड़पना चाहता है। फिर से मारपीट किया, मारपीट किया, हाथ में धक्का दिया, फिर से फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, फिर से दर्द दिया, फिर यहाँ खून बहे लगा, फट गया, यह मारा। कौन मारा? बेटा मारा, बहू मारा, पोता मारा, पोती मारा, सब लटक के आए। अब बोलता है कि बुढ़िया तू जाती हुआ पट्टी बांध के नौटंकी, पुलिस तो कहता है कि नौटंकी करता है, नौटंकी करता है, अब ऐसा करके हमने लटक गया, मारने लगा।
ये हाथ में दर्द है, ये हाथ में दर्द, हम तो छूया नहीं, झूठा पकड़ के मारे पीटे लगा, मोबाइल चाहिए तो पूछ गए मारे। क्या चाहता क्या बेटा? नहीं बेटा चाहता क्या है बेटा? सब लोग ये अथी में हो गया है, बोला कि हमको ऐसे दीजिए वैसे, हाँ हड़पने से जाता है उसको, सब बहका रहा है, सिखा रहा है। पुलिस भी नहीं हम लोग का ही कर रहा, नहीं कर रहा सब। पहले केस के लिए भी थे, अब पहले भी केस हुआ उसमें भी नहीं हुआ, अब बार भी केस किया भी कुछ नहीं कर रहा पुलिस। पर भी केस करवा दिया? हाँ पुलिस कुछ करवाई नहीं कर रहा। कम्प्रोमिस दर्श न्यूज के लिए गया से मनीष कुमार।